वेलकम कर सकते अपने का सिविल स्टूडेंट स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 17 में हमने पेज नंबर 68 तक हमने कंप्लीट किया था। आप सबके पास जो हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है वो आप सबको निकाल ली है। पेज नंबर 68 तक हमने कंप्लीट किया था। हमारा चैप्टर 17 का नेम है संयुक्त व्यंजन का प्रयोग। अब आगे है चैप्टर 17 है, उसमें पेज नंबर आप सबको 69 पर देखना है। इन शब्दों को पढ़िए और उच्चारण कीजिए। तो आप सबको पढ़ना है और उच्चारण करना है। जैसे कि देखो आप सबको टेक्स्ट बुक में दिया गया है और अच्छा वो आप सबको बोलना है मेरे साथ। चलो बोलते हैं, मेरे साथ बोलना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है, फर्स्ट आप सबको दिया गया है और अच्छा बोलो मेरे साथ। अच्छा बच्चा, बच्चा, मक्का, मक्का, चम्मच, चम्मच, चश्मा, चश्मा, पत्ता, पत्ता, गुब्बारा, गुब्बारा, मच्छर, मच्छर, मक्खी, मक्खी, दिल्ली, दिल्ली, क्यारी, क्यारी। ऐसे आप सबको कई शब्द दिए गए हैं, वो आप सबको पढ़ने हैं होमवर्क में। उसके बाद ये समझिए और कीजिए। पहले ये ऐसा ही है, जोड़कर लिखना है आप सबको, वो यही है। आप सबको ये दिया गया है तो क्या करना है, आप सबको ये शब्द दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, वो आप सबको मेरे साथ लिखने हैं रफ बुक में। पहले दिया गया है ध, फिर क्या है ये क है, और उसके बाद ये इसे ये को अर्ध को अर्ध कह सकते हैं। को वो है वो हाफ है। तो क्या लिखेंगे हम जोड़कर, धक्का धक्का, फिर ज प्लस क प्लस का, धक्का, फिर म क म प्लस क प्लस का, मक्का, ब च चा, ब प्लस च प्लस चा, बच्चा, अ प्लस च प्लस चा, अच्छा। ऐसे स्टूडेंट्स आप सबको कितने सारे इसमें दिए गए तो वो आप सबको जोड़कर लिखना है और पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आप सबको पेज टर्न करना है। कौन सा पेज नंबर आया, पेज नंबर 17 आया। उसमें फर्स्ट क्या है समझिए और कीजिए। तो ऐसे ही है वो पक्का दिया गया है, प्लस को प्लस का, ये चक्का है इसकी तरह यहाँ पर प दिया गया है पक्का ऐसे। उसके बाद सेकंड है पक्षियों के पास जो अक्षर है उन्हें खाली स्थान में शब्द के प्रारंभ में जोड़िए, प
पास जो अक्षर है वो हमें लिखना है। पहले आप सबको ई दिया है, पक्षियों के पास अक्षर दिए गए हैं ज ज है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर प है और यहाँ पर भ है। मुँ है यहाँ पर मुँ। फिर आप सबको यह दिए गए हैं चौथा ये दिए गए हैं, इसके जैसे हमें बनाना है। यहाँ पर पहला दिया गया है चौका, तो क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ना। पहले आप सबको एग्जाम्पल दिए गए थे चौका, देखो और हम लिखेंगे ई ई का ई, यहाँ पर ई है वो, यहाँ पर लिखेंगे ई का। उसके बाद प है तो यहाँ पर लिखेंगे प का, प लिखना है आप सबको। यहाँ पर हु है तो लिखेंगे हु का, ऐसे आप सबको लिखना है। यहाँ पर उसकी तरह दूसरा आप सबको खरगोश का दिया गया, खरगोश है ना, कछुए दिया गया है। कछुआ किसे कहते हैं, इसे कछुए के पास जो अक्षर है उन्हें खाली स्थान में शब्दों के प्रारंभ में जोड़िए। शब्दों के प्रारंभ में ऐसे ही आप सबको जोड़ना है। उसके बाद आप सबको दिए गए चित्रों में जो अक्षर है उन्हें खाली स्थान में शब्दों के प्रारंभ में लिखे, ऐसे ही आप सबको शब्दों के प्रारंभ में लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में सेंटेंस नंबर 71 आया, यदि व्यंजन वर्ण अलतम, यहाँ पर जो आप सबको दिया गया है, देखो आप सबको पहले क्या दिया गया है, क प्लस र र प्र, फिर क वाला दिया गया है क प्लस र क्र, ऐसे आप सबको वर्ड दिया गया है। क्या कहा गया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो हमें पहले पढ़ना है और फिर लिखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है। वो पहले आप सब क्या दिया गया है, क प्लस र क्र हुआ, तो बॉक्स में क्या लिखना है हमें, क्र। उसके बाद ये प दिया गया है, प प्लस
है वर्ब, वर्ब प्लस अग्रव, तो यहां पर हमें लिख रही हूं मैं अग्रव। उसके बाद एक वर्ब प्लस अग्रव तो ग लिखूंगी, ग। ऐसा कि आप सबको खाली बॉक्स है उसमें ग्र लिखना है, ऐसे ही शब्द आप सबको दिए गए हैं। यहां पर हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 70 उसका रिवीजन है वो यहां पर खत्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें याद या छोड़कर लिखना है वो आप सबको यह